नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने बुधवार को दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पत्रकारों से बात की। आज उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पहल पर अगले चार दिनों में देश के 30 युवाओं के साथ सुशासन और भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है। मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यात्रा का आयोजन यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि देश का काम और विकास कहां जा रहा है और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध बनाने के लिए और क्या करना होगा। इस बार एक बेहतर भारत के निर्माण की योजना की गई है। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि मैनागुड़ी में एक बच्चे की मौत और मालदा में हुए बम विस्फोट में चार बच्चों के घायल होने पर मुख्यमंत्री के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस 3 दिवसीय सफर के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। साथ ही साथ दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि वह कानून व्यवस्था के अलावा मालदा में बम बरामद और सिलीगुड़ी में रोहिंग्याओं के विषय को लेकर बैठक करेंगे। देखिए, आप इस टिप्पणी की गंभीरता को समझिए। अगर गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि बंगाल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको जान गंवानी पड़ती है। मैं मजाक में अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों को कई बार कहता हूँ, भैया बंगाल आ तो रहे हो, रिटर्न टिकट मत ले लेना, अभी पैसा खर्च मत करना, बच गए तो वापस जो है टिकट काट लेना। ये वास्तविकता है और ये हम आने वाले समय में आप देखिए इसको लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे, देश भर में जाएंगे और देश भर में जाकर के बंगाल को बचाने की। आप देखिए, ये वो धरती है, ये पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है, वीरों की भूमि है, इसको कलंकित किया है। मैं इतना ही नहीं, 300 से ज़्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर से पश्चिम बंगाल में आए हैं। जितने जिलों में आएंगे, जितने जिलों में ये हिंसा हुई है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है, उन सब के परिवार से मिलने की एक बड़ी योजना, उनका एक अलग संबंध और अलग प्रोटोकॉल होता है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मेरा निवेदन है भारत के प्रधानमंत्री जी से, जब भी दीदी आपसे मिले, कृपया पहले आप ये कही है कि इतनी सारी हत्याएं पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है, इतने सारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इतना करप्शन और कटमनी क्यों चल रहा है, इतना बम बारूद और बंदूक की फैक्ट्री को आप क्यों जिंदा कर रही हो। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, प्रधानमंत्री होने के साथ उनको हर एक से मिलना उनको ये पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री समय मांगती है तो शायद वो मना नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इतना आग्रह रहेगा कि ममता दीदी को कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री जी को उनको 2 करोड़ रुपयों के मूल्य से अधिक ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने करोड़ों रुपयों की ब्राउन शुगर बरामद की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी के कॉरिडोर बनाकर विभिन्न देश या विभिन्न राज्य से नशीली दवाओं की तस्करी अब तस्करों का दैनिक कार्य बन चुका है। हालांकि सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस सिलीगुड़ी शहर व आसपास के इलाकों को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। वहीं मंगलवार को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और एनजीपी थाने की पुलिस ने एक ड्रग्स गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं देर रात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एनजीपी थाना क्षेत्र के पोराझार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसका बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की पहचान अब्दुल बसक नादिया जिले के निवासी, मसीदुल मंडल मुर्शिदाबाद निवासी हबीबुर शेख और अतिकुला इस्लाम बताया गया है। आरोपी उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में नशीली दवाओं की आपूर्ति में शामिल थे और एक संगठित ड्रग्स कार्टेल के सदस्य थे। वहीं आज चारों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट 4 दिवसीय सिक्किम दौरे पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भारत दर्शन और सुशासन यात्रा का करेंगे नेतृत्व।
भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग जिले के विधायक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राजू बिस्टा अपने 4 दिवसीय सिक्किम दौरे पर आज सिक्किम पहुंचे, जहां आज भारतीय जनता पार्टी सिक्किम के द्वारा रम्फो में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस बीच बताया गया कि सिक्किम में सांसद भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भारत दर्शन सुशासन यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस यात्रा में देश भर से भाजयुमो कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सिक्किम के अध्यक्ष डीवी चौहान और शीर्ष नेताओं ने दार्जिलिंग जिले के सांसद का भव्य स्वागत किया। एक बार फिर रायगंज के तृणमूल विधायक कृष्ण कल्याणी ने छात्र के उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदारी संभाली है। जानकारी के अनुसार अमित देवनाथ ने अखिल भारतीय आईटीआई में 58वां स्थान हासिल किया है और छात्र ने पूरे रायगंज का नाम रोशन किया है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए रायगंज के विधायक और प्रमुख उद्योगपति कृष्ण कल्याणी आ गया है। उन्होंने सोमवार को अमित देवनाथ के रायगंज के उदयपुर स्थित घर का दौरा किया और अमित के परिवार वालों से मुलाकात की, और इस बीच बताया गया कि उनकी कंपनी कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उनके अगले 3 साल की शिक्षा का सारा खर्च वहन करेगी। इस दिन कृष्ण कल्याणी ने सबसे पहले अमित देवनाथ को 1,00,000 रुपए का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने चेक सौंपने के अलावा अमित को शुभकामनाएं भी दी। দাদা আপনি কারবাড়িতে এবং কিসের জন্য এলেন এখানে? আজকে আমি অমিত দেবনাথের বাড়িতে এসেছি। প্রথমে অমিত দেবনাথকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উনি অল ইন্ডিয়া আইআইটিতে 58 নম্বর র্যাঙ্ক হোল্ড করেছেন। এটা সত্যি আমাদের রায়গঞ্জবাসী কেন উত্তর দিনাজপুরের জন্য আমাদের গর্বের ব্যাপার। এরকম একটা করিশ্মাদায়ক উনি ফল পেয়েছেন। হ্যাঁ, আর আমি একটা নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও কিছু আর্থিক অনাটনের জন্য আগামী দিনে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা ছিল, সেই খবরটা আমি জানতে পারি। তো এর 6টি সেমিস্টার আছে, প্রত্যেক সেমিস্টারের খরচাটা আমরা আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে নিচ্ছি। আমি প্রত্যেক বছর 1,00,000 টাকা করে 3 বছরের জন্য অমিতকে এটা আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে দিচ্ছি, যাতে আগামী দিনে এর পড়াশোনায় কোনো যাতে অসুবিধা যাতে না হয়। বাস আর পিকআপ ভ্যান কি জোরদার টক্কর, 2 লোক ঘায়ল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস আর পিকআপ ভ্যান কো বরামদ কর ঘটনা কি যাঁচ মে জুটি পুলিশ। एक बस और मछली ले जा रहे पिकअप वैन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना से बुधवार को नक्सलबाड़ी के रतकोला जंक्शन के पास इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार से सिलीगुड़ी आ रही एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर रास्ते में एक यात्री बस के पीछे से जा टकराई। इस घटना में पिकअप वैन चालक और एक अन्य घायल हो गया। वहीं तत्काल घायलों को नक्सलबाड़ी अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर उपस्थित चिकित्सकों ने गंभीर हालत होने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और पिकअप वैन को बरामद कर घटना की जांच शुरू कर दी है। 5 मई को गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा के द्वारा की गई सांगठनिक बैठक। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के हैमिल्टनगंज क्षेत्र में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष भूषण मोदक, फालाकटा भाजपा विधायक दीपक बर्मन, कालचीनी के विधायक विशाल लामा और भाजपा कालचीनी प्रखंड के अन्य नेताओं ने भाग लिया था। बैठक में पार्टी के संगठन के विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बीच फालाकटा के विधायक दीपक बर्मन ने बताया कि देश के गृहमंत्री अमित शाह 5 मई को 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं और गृहमंत्री के आगमन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा को लेकर इस संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। की विषय आज के बैठक छिल आपनादर? আমাদের আজকে বৈঠক, আমাদের আগামী 5 তারিখ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে উত্তর বঙ্গাল ভ্রমণে শিলিগুড়িতে আসতেছে, সেই বিষয় নিয়েই আজকে আমরা সবাই মন্ডল প্রেসিডেন্টকে আমরা ডেকেছিলাম অ্যালং উইথ মেম্বার্স,
ওনাদেরকে যে সেজন্য সবাইকে নিয়ে কি করে আমাদের জনগণকে নিয়ে যেতে হবে সেটা নিয়ে আজকে একটা মিটিং ছিল। আর আমাদের মন্ডল পূর্ণাঙ্গ হয় নাই এখন অবধি, তো ওই মন্ডলকে মানে পাঁচ করে কমপ্লিট করার জন্য সেই একটা আজকে ই নিলাম। আর আগামীতে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কি কোনো আজকে রণনীতি তৈরি হয়েছে? পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আজকে ই মিটিং করে নেই, তাও একটা সাংগঠনিক একটা মিটিং হয়েছে। আর আগামীকাল আমাদের যে মন্ডল আর মোর্চাগুলো তৈরি হয় নাই সেটা নিয়ে একটু তদন্ত নিচ্ছে আর তাড়াতাড়ি এক যে তৈরি করার জন্য। আর পাঁচ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর যে মিটিং আছে সেই মিটিং নিয়ে আজকে আলোচনা সভা। হ্যাঁ বলছিলাম, আজ কি বিষয়ে এখানে বৈঠক হলো আপনাদের? আমাদের এটা একান্তই সাংগঠনিক বৈঠক। আমাদের আগামী 5ই মে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি শিলিগুড়িতে আসছেন, তো সেখানে একটি জনসভা করবেন তিনি। সেখানে আমাদের কালচিনি থেকে দলের কার্যকর্তারা সেখানে উপস্থিত হবেন, সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা, এছাড়া বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা। পরের বছর তো পঞ্চায়েত ভোট, সেটা নিয়ে কি কোনো রণনীতি আজকে তৈরি করা হলো? পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রণনীতি এগুলো এত তাদের নয়, আমাদের রণনীতি সেগুলো আলাদাভাবে ঠিক করা হবে। बाइक और पब्लिक बस के आमने सामने की टक्कर में एक ने गवाई जान, एक हुआ है घायल। बाइक और पब्लिक बस के आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक अंतर्गत हल्दीबाड़ी भूजरी पाड़ा इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक की पहचान आलम अली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आज दो लोग बाइक में सवार होकर बेरूबाड़ी बाजार की ओर जा रहे थे। वहीं एक पब्लिक बस हल्दीबाड़ी दशा से आ रही थी तभी बाइक और पब्लिक बस के आमने सामने की टक्कर हो गई जिसके चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बरामद किया और तत्काल इलाज के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने पर उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। আমি জানতে পারলাম ভুজারি মোড়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, কিসের মধ্যে হয়েছে এখনো আমার কাছে সঠিক খবরটা নেই। তবে ওই জাবেদ আলী আর উনি হেড ইঞ্জুরি, ওনাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে দিল শিলিগুড়ি NBC-তে। আর যে আলম হক বয়স অ্যাপ্রক্স 25 বছর, এখানে ব্রড ডেথ। ডাক্তার কিভাবে হলো মনে করলে? আমি যেটা শুনলাম অ্যাক্সিডেন্ট আর কি, রোড অ্যাক্সিডেন্ট মুখোমুখি শুনলাম। আমি তো এদিকে আছি ডিউটিতে, জানতে পারলাম রোড অ্যাক্সিডেন্ট মানে কিসের সাথে কিসের একটু এটা এখনও ঠিক সঠিক আমি বলতে পারছি না। আপনার নাম? আমার নাম ESI নিরঞ্জন রায়। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK-देखि 3.5 BHK-सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट। वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रायंफ, पैडेड ब्रा, नॉन पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर। अमांते हैज लॉट ऑफ इनरवेयर एंड लॉन्जरीज, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट। We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tip, accessories.
inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। बंद रेड बैंक चाय बगान को खोलने की मांग को लेकर श्रमिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का अवरोध कर किया विरोध प्रदर्शन। लंबे समय से जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट के रेड बैंक चाय बगान बंद पड़ा हुआ है। इस चाय बगान की खोलने की मांग को लेकर आज चाय श्रमिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को अवरोध कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज बुधवार दोपहर को शुरू हुई सड़क अवरोध के कारण सड़क के दोनों किनारे लंबी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 डुअर्स की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। वहीं इस पथावरोध की जानकारी मिलते ही बानरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर अवरोधकारी श्रमिकों से बातचीत करने लगे और बताया गया कि चाय बगान विषय को लेकर श्रम दफ्तर में सूचित किया गया है। और इस बीच श्रमिकों का पथावरोध लंबे समय तक चलता रहा, जहां श्रमिकों ने मांग की कि अगर जल्द से जल्द चाय बगान को खोला नहीं जाता है तो श्रमिक जोरदार आंदोलन की और अख्तियार करेंगे। देखो इटा तो सत्यि कथा तादेर न्याज्य दाबी। आज के एक चा बागान के जो खोला प्रचेषा करा होच्छे तक अन्यरा बाद थाकबे केन? सुतरां उनादेर एरकम आंदोलन तो स्वाभाविक एवं एरकम आंदोलन के आमिओ सपोर्ट करी। এইবার কথা হচ্ছে যে এটা আমি অনেক দিন থেকে দেখেও আসছি যে এরকম কিছু কিছু চা বাগান আমাদের বন্ধ আছে। আমরা আমাদের কয়েকটা চা বাগান অলরেডি খোলাতে পেরেছি, যেমন মানাবাড়ি চা বাগান অনেক দিন বন্ধ থাকার পর খুলেছে। তো নিশ্চয়ই এইবার চেষ্টা হবে, চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে এখন তো দেখুন রাজ্য সরকারের এখতিয়ারের মধ্যেই মেইনলি, তো সেদিক থেকে যদি আমার যদি কোনো দরকার পড়ে আমাকে যদি জানায় তাহলে আমি উপযুক্ত যারা কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে বলতে পারি, আমার দিক থেকে বলছি। আর এক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা থাকবে। আর যদি আর এখানকার যে এমপি সাংসদ যিনি জন বার্লাজি, আমার মনে হয় তাকেও অ্যাসোসিয়েটেড করে নিলে ভালো হয়, আমরা সবাই মিলে তাহলে বলতে পারি সেটা। আর আর একটা কথা হচ্ছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার দরকার আছে। তা আমি চাইবো রাজ্য সরকারকে বলতে চাই, এটাই বলতে চাই যে আপনারা এগিয়ে আসুন। এই মানুষগুলোর এই যে রেড ব্যাংক বা এরকম চা বাগান যারা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে সেগুলোকে যেন খোলার ব্যবস্থা করা হয়। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया गया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के सहित पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में असामान्य वृद्धि के विरोध में माथाभंगा में प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन कूचबिहार जिले के माथाभंगा इलाके में तृणमूल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से शुरू किया गया और पूरे माथाभंगा शहर की परिक्रमा करते हुए पुनः पार्टी कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई। इस प्रदर्शन में
तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष पार्थ प्रथम रॉय, जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश अधिकारी, नगर पालिका के अध्यक्ष लक्ष्यपति परमानिक और अन्य नेता शामिल हुए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि जिला अध्यक्ष गिरेंद्र नाथ बर्मन इस प्रदर्शन में अनुपस्थित रहे थे, जिससे राजनीतिक हलकों में एक बार फिर गर्माहट पैदा कर रही है। বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোল পাম্পের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল সংগঠিত করছে স্থানীয় নেতৃত্বরা, ব্লক, অঞ্চল। আমরা যেখানে যেখানে খবর পাচ্ছি আমরা যাচ্ছি, পৌঁছচ্ছি এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করছি। মূলত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত যেভাবে পেট্রোল পাম্প এবং জ্বালানি গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করছে, তাতে সাধারণ মানুষ বাজে হবে। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ করছে, পার্লামেন্টের ভেতরে করছে, বাইরে করছে, অঞ্চলে অঞ্চলে করছে, ব্লকে ব্লকে করছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা এই কর্মসূচিগুলো জেলার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ব্লক নেতৃত্বরা সংগঠিত করছে, আমরা পায়ে পা মেলাচ্ছি। মূলত শহর ব্লক এবং পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙা ওয়ান ব্লক সহযোগিতা করেছে। বিল্ডিং রোড কে কার্য কলিকার পুরানে বা নয় सुपरवाइजरों के बीच हुई झड़प, 7 लोग घायल। कूचबिहार जिले के माथावांगा प्रखंड के हाजराहाट दो नंबर ग्राम पंचायत के वेस्ट बेड हाउस क्षेत्र में 100 दिन के चल रहे काम में वेल्डिंग रोड के कार्य को लेकर पुराने व नए सुपरवाइजरों के बीच व्यापक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुराने सुपरवाइजर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ग्राम पंचायत ने नए सुपरवाइजर के साथ मिलकर 100 दिनों का काम, 100 मीटर रोड निर्माण का काम शुरू कर दिया था। वहीं आरोपी के पुराने सुपरवाइजर ने काम में बाधा डाला, इसके चलते दोनों पक्षों में झड़प हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया गया। घायलों को चिकित्सा के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। মানে ওদের সঙ্গে জানি না, ওরা কি সুযোগ ভেজেন না অন্য কিছু, আমাকে 10 নম্বর ফোন করেছিল, তারই ছিল যেহেতু আমার নাম্বার ছিল। আমি সেখানে গিয়ে ওদের রাস্তার মাপ দিই। মাপ দেওয়ার পরে এখানে যে স্পিডটা ছিল সেটা হলো খলিল মিয়ার বাড়ি হইতে একাদুলের বাড়ি পর্যন্ত 110 মিটারের রাস্তা। খলিল মিয়ার বাড়ির থেকে মানে একাদুলের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা যেটা ছিল সেখান থেকে 110 মিটার হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু পাকা রাস্তার পূর্ব সাইডে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা রাস্তা আছে, ওই রাস্তাটা ওরা শুরু করতেছিল। আমি সেইখানে গিয়ে ওদেরকে বলছি যে আপনারা যেহেতু কাজ শুরু করছেন আমি তো কোনো কিছু বলতে পারি না, আপনারা কোথায় মাটি কাটবেন কাটবেন না সেটা আমার জানার দরকার, কিন্তু যেহেতু আমি ইনভেস্ট করবো সেই জায়গায়, আমি স্ক্রিমের বাইরে কাজ করবো। অতএব যে জায়গাটায় আপনি ওই মানে ইট বিছানো দেখতেছিলেন আমি ওই জায়গাটায় কিন্তু বারণ করছি যে না, এই জায়গায় যেহেতু স্ক্রিম না আমি এই কাজটা করবো না, অতএব এই জায়গায় ইট বিছানোর দরকার নেই, টোটালি কাজটা করেন, মাটিটা কাটেন, তারপরে যা মাল লাগবে আমি সাপ্লাই দেবো, আপনারা কাজ করবেন। আমার বক্তব্য তাই ছিল। সেইখান থেকে তারপরে আমি চলে যাই। চলে যাওয়ার 10 মিনিট কি 15 মিনিট পরে ওইখানে মানে হট্টগোল শুরু হয়। তারপরে যেটা খবর পাই, হাইবার মিয়ার ছেলে এবং খলিল মিয়ার ছেলে বাবু ওদেরই ভাই ব্যস্তা, কেউ রাস্তা করবে আবার কেউ রাস্তা করতে দিবে না, এটা নিয়ে বিভ্রান্তি হয় আর দুজনে দুই পক্ষেই মারামারি হয়। ऑनलाइन मोबाइल बिक्री को बंद करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ओप्पो कंपनी के विक्रेता। मोबाइल कंपनी ओप्पो भारतीय डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों की अनदेखी करते हुए अपने मोबाइल को अनैतिक तरीके से ऑनलाइन तरीके से बेच रही है। नतीजतन देश के साथ साथ राज्य भर में मोबाइल फोन विक्रेता पीड़ित है। इस घटना के विरोध में रायगंज शहर के मोबाइल फोन विक्रेता राज्य के हर ओप्पो शोरूम के सामने भूख हड़ताल पर चले गए। सूत्रों के अनुसार ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से मोबाइल विक्रेता एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे एक विक्रेता ने कहा कि वे ओप्पो कंपनी की अनैतिक नीति का विरोध कर रहे हैं। ओप्पो कंपनी को तुरंत ऑनलाइन फोन बेचना बंद कर देना चाहिए और अपनी निर्मित ओप्पो मोबाइल फोन यानी डिस्ट्रीब्यूटरों और डीलरों के माध्यम से बेचना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनी ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे आगे भी भूख हड़ताल और बड़े आंदोलन की ओर अख्तियार करेंगे। दादा अपना नाम और डेजिग्नेशन? অভিজিৎ বোস, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, এমড়া, উত্তর দিনাজপুর। আমাদের আজকের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওপো কোম্পানির অনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে এবং মেন রাইট রিটেলার যারা পরম্পরাগত রিটেল ব্যবসা আছে সেটাকে অনৈতিকভাবে অনলাইনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের যারা কাস্টমার আছেন তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অনলাইনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে আজকে আমরা গোটা ভারতবর্ষব্যাপী
তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর দিনাজপুরে এমরার তরফ থেকে আজকে আমাদের এই হাঙ্গার স্ট্রাইকে আমরা বসেছি। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार के लिए कूचबिहार में शुरू किया कैंपेन। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन के विस्तार के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को कूचबिहार जिले के दास ब्रदर्स मोड़ पर कैंपेन के माध्यम से अपनी पार्टी का संदेश आम लोगों के बीच फैलाया गया। इस कैंपेन के माध्यम से लिफलेट लोगों के बीच वितरित किया गया और नए सदस्यों के लिए फॉर्म वितरित किया गया। आम आदमी पार्टी के कूचबिहार जिला कमेटी के प्रभारी अमित देवनाथ ने कहा कि दिल्ली और पंजाब सरकारों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को लेकर मंगलवार को समझौता हुआ था। आम आदमी पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी स्वीकार कर रहे हैं और कूचबिहार जिले में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आज के संगठन विस्तार मेम्बरशिप नेवा लोकर का प्रचार पत्र पार्टी प्रचार पत्र बिली हमारा दिल्ली में क्यों कर पंजाबे क्यों हे मानुष के सेगल जाना हे যে দেখুন গতকালকে দুটো আমাদের পাঞ্জাব আর দিল্লির সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ কি সারা পৃথিবীর ইতিহাসে যে দুটো গভর্নমেন্ট নলেজ আদান প্রদানের জন্য এগ্রিমেন্ট করতে পারে সেটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে গতকালকে। যে দিল্লিতে কি হয়েছে পাঞ্জাবে সেগুলো নলেজ নেওয়ার জন্য এগ্রিমেন্ট হয়েছে, পাঞ্জাব সেগুলো লাগু করতে যাচ্ছে, সেগুলোই মানুষকে আমরা জানাচ্ছি। মানুষ খুঁজছে যে কোথায় গেলে আম আদমি পার্টির মেম্বারশিপ নেওয়া যাবে, কীভাবে কাজ করা যাবে, সেগুলো জানানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকে এই ক্যাম্পেইন। আমরা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি, আমরা বুঝতে পারছি যে লোক চাইছে, মানুষ এসে আমাদের থেকে লিফলেট নিয়ে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ মেম্বারশিপ সংগ্রহ করছে, তো সাড়া যথেষ্ট ভালো আমাদের। আমি অমিতাভ দেবনাথ, কুচবিহার জেলা ইনচার্জ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड 2,000 rupees फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग। यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3-6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगे लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।